धर्माधर्मातील द्वेष संपवण्यासाठी काढण्यात येणारी नागपूर ते मुंबई इंसानियत अभियान रैली 1 मार्च रोजी अहमदनगर शहरात दाखल होणार असून याच पार्श्वभूमीवर नगर शहरामध्ये बैठक संपन्न झाली आहे। पाकिस्तान चीन या शत्रू राष्ट्रांपेक्षा राजकारणासाठी देशात पसरत असलेली जातीय आणि धार्मिक विषमता अधिक घातक ठरती आहे। राजकीय पोळी भाजण्यासाठी समाजात जातीय द्वेष आणि एकमेकांबद्दल दुरावा निर्माण होतोय। देशात अशांतता, जातीय मोर्चे, भडकाऊ भाषण, दंगल यामुळे देश प्रगती साधू शकत नाहीये। धर्माधर्मातील आणि समाजातील द्वेष संपवण्यासाठी तसेच प्रेम, शांतता आणि भाईचाराचा संदेश घेऊन नागपूर ते मुंबई इंसानियत अभियान रॅलीचं आयोजन करण्यात आलंय अशी माहिती अल इन्साफ फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष मुफ्ती सालम चौस यांनी दिली। तर शिवजयंतीच्या दिवशी 19 फेब्रुवारी रोजी अल इन्साफ फाउंडेशनच्या वतीने नागपूर येथून इन्साफ लावो देश बचाओ, हिंदू मुस्लिम नफरत मिटाओ हे ब्रीद वाक्य घेऊन इन्सानियत अभियान रॅली काढण्यात येणार आहे। ही रॅली 1 मार्च रोजी अहमदनगर शहरात दाखल होत असून याच्या नियोजनासाठी सर्जेपुरा येथील रहमत सुलतान सभागृह या ठिकाणी बैठक पार पडली। यावेळी मुफ्ती सालम बोलत होते। तर या बैठकीला वाहद बिनसाले चौस, मौलाना रियाज अहमद, वसीम सय्यद, मुस्ताक्सर, हफीज फैजान उपस्थित होते। ये इंसानियत अभियान रैली का आयोजन किया जा रहा है 19 फरवरी को नागपुर मुंबई। इसका खास उद्देश्य है कि पूरे भारत में आज मुल्क के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम कम्युनिटी को एक जगह पर आकर हिंदुस्तानी बनकर और हिंदुस्तानी साबित करके दिखाने की बहुत ज़रूरत है। नफरत फैल रही है, गलत फहमियाँ फैल रही है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है उसको हकीकत समझाया जा रहा है दूसरे मज़हब में। इससे हिंदुस्तान को बहुत नुकसान है और हिंदुस्तानियों ने इस बात को समझना चाहिए कि जो भड़काऊ भाषण हो रहा है और भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है ये देश के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक शख्स है। हमारे बच्चे उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं जो जज्बाती भाषण कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं खासतौर से हुकूमत से भी विनंती करता हूँ कि जो इस तरह के भाषण दे रहे जिससे हिंदुस्तानियों में टेढ़ निर्माण हो या किसी एक दूसरे के मजहब की भावना को तकलीफ पहुँचती है, ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोही का कानून क्यों नहीं लगाती हुकूमत, जिससे कितने मर्डर्स हो रहे हैं, कितने लोग जेल में जा रहे हैं, 10-10 हज़ार लोगों पे गुना दाखिल हो जा रहा है। एक आदमी गलत स्टेटमेंट दे देता है, देश के जनता के अंदर आग लग जाती है। उस आग लगाने वालों को भारत सरकार सुरक्षा दे रही है और पूरा मुल्क गैर सुरक्षित रह रहा है। जो मुल्क को गैर सुरक्षित कर रहा है हम उसको सुरक्षा दे रहे हैं और उसकी वजह से पता नहीं हजारों लोगों पर FIR हो रही है। तो आदमी तो यही सोच रहा है कि मैं गलत बात कह दूंगा, हुकूमत मुझे सुरक्षा दे देगी और हिंदुस्तानी लोग लड़ते रहेंगे। यानी जो हमारे देश को बर्बाद करना चाह रहा है कुछ ऐसे गलत कमेंट्स पास करके, भाषण देकर, ऐसे लोगों के अंदर जो खौफ पैदा होना चाहिए, खौफ नहीं बल्कि वो तो देश का और देश के वासियों की मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि मोहब्बत को कैसे बढ़ाया जाए और देशभक्ति जो है ना, देश से हर किसी को प्यार है लेकिन देशवासियों से भी प्यार होना चाहिए। रैली की शुरुआत कब होगी, कहां से शुरू होगी, 19 फरवरी से शुरू होगी, नागपुर से रैली शुरू होगी और मुंबई अगस्त क्रांति ग्राउंड पे 14 मार्च का इसका एंड है। ये गुजरते गुजरते औरंगाबाद होते हुए अहमदनगर ऐसे पूना होते हुए 14 मार्च को रैली मुंबई में अगस्त क्रांति ग्राउंड पे एंड होगी। और उसका उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी स्टूडेंट्स इसके अंदर सहभाग रहे और सभी इस मैसेज को ले और मुल्क में अमन व अमान के लिए हम लोग कोशिश करें। जिस पार्टी में भी रहे पार्टी का काम अपनी वफादारी से करें, जिस जात पात के आप लीडर हो उनकी प्रगति का ज़रूर सोचें लेकिन पूरे मुल्क और पूरे हिंदुस्तान को जब तक हम एक निगाह से नहीं देखेंगे और उनकी प्रगति का नहीं सोचेंगे तो देश की प्रगति पूरे देशवासियों। प्रतिनिधि अनिकेत गवळी, न्यूज टुडे 24, अहमदनगर।